हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल भानु जी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम आपको और भी टेक्निकल वीडियोस की अपडेट देते रहें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने पुराने जींस को नया बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। आप अपने पुराने जींस को कलर कर सकते हैं और वो कलर मार्केट में मिलता है, और वो पक्का कलर कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा वीडियो भी पूरा लास्ट तक देखिए और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक जीन्स है जो काफ़ी पुराना जीन्स है, और इसका कलर देख सकते हैं आप, काफ़ी फेड हो चुका है। मतलब इसका कलर जाने जाने का कलर है। हम इस जीन्स में अब कलर करेंगे। कलर करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए कपड़ों वाला कलर, जो आप मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये अलग अलग कलर के मिलते हैं, कभी काला, लाल और नीला। और दोस्तों कोशिश करें किसी बच्चों के मुंह पे ना जाए, किसी के भी मुंह पे ना जाए कलर, के कलर थोड़ा जहरीला होता है, ठीक है। अब इस कलर के साथ दोस्तों आपको एक बोतल और लेना है डाई फिक्सर की, तो यह बोतल ज़रूर लें ताकि इससे हमारा कपड़ा जो है, कपड़े में कलर अच्छे से पकड़ेगा। डाई फिक्सर की बोतल का लेने से फ़ायदा ये है। अब इसमें आपको देख सकते हैं बाल्टी में हम लोगों ने थोड़ा सा पानी ले लिया है, और इसमें आप अपना बढ़िया मस्त जो जीन्स है उसको अच्छे निचोड़ लेंगे। पहले निचोड़ के बढ़िया अच्छे निचोड़ लीजिए, और निचोड़ के बढ़िया मस्त पूरा पानी निथर जाए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ऐसे निचोड़ लीजिए। उसके बाद आपको एक बढ़िया सी गंजी में पानी लेना है, 2-3 गिलास पानी लेना है, उसमें कलर मिला लेना है। कलर मिलाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसका कलर नीला सा आ रहा दिख रहा होगा आपको। अब जो कलर लेंगे वही कलर आपको दिख जाएगा उसमें। अब इसमें आपको नमक मिलाना है 3-4 चम्मच। नमक डालने से दोस्तों कलर में मजबूती आती है, कलर छूटता नहीं है जल्दी। अब इसके बाद दोस्तों करना क्या है, थोड़ा सा निरमा जरूर मिलाएगा। निरमा डालने से भी हमारे कलर में और मजबूती आएगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आधी चम्मच जितने भी। अब हमारा कलर रेडी हो चुका है, ये गर्म है देखिए। अब हम इस गर्म में ही इसको अपने पैंट को, जीन्स को डुबो देंगे, अच्छा फुला देंगे इसमें बढ़िया। और कोशिश करना दोस्तों ये पूरा कलर इसमें जीन्स में लग जाए। और बस देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हाथ से करेंगे तो आपके हाथ भी कलर फुल हो जाएंगे बढ़िया, तो ऐसा हाथ से ना करें। हो सके तो आपके पास कुछ हो सामान जैसे लकड़ी वगैरह, तो उससे करें। और अगर बस कोशिश ये करें कि जीन्स पूरी तरह से डूब जाए कलर में, कोई भी जगह छूटे ना। तो दोस्तों जीन्स को हम कलर में डुबा करके कम से कम 2 घंटा ऐसे ही रखे रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक बाल्टी में पानी लेना है, और नॉर्मल पानी है, इसमें डायसलर की जो बोतल है पूरा कुड़ेल देना है। और इसके बाद जो हमने, हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हमारा 2 घंटे में जो हमारा कपड़ा हम लेकर आएंगे कलर किया वाला, उसको उठा के हम इस पानी में डाल देंगे। और इस पानी में हम इसको 1 घंटे तक फुलो के रखेंगे बढ़िया। दोस्तों पानी ये 1 लीटर लीजिएगा, यारा पानी, नॉर्मल पानी जो है। 1 घंटे बाद दोस्तों हम इसको बिना निचोड़े ही ऐसे टांग देंगे, ताकि निचोड़ने से इसका पूरा कलर ना निकले, तो जो कलर इसके ऊपर बैठ जाए। और इसको कोशिश करें दोस्तों रात के टाइम अंधेरे में बढ़िया सा सुखाने के लिए डाल दें। अब देख सकते हैं आप दोस्तों, ये मेरे जीन्स का कलर हो चुका है। और देखिए पुराना जीन्स और ये नया जीन्स में देखिए कितना फ़र्क आ गया है, इसका कलर देखिए कितना डार्क है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।